Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today we'll be talking about a very serious and which people talk about a lot in spirituality, which is reincarnation, punarjan. Now the question is whether reincarnation happens or not, whether it is true that the human body after it dies, it again rebirth, it gets into this process of rebirth or not. Because in some religion there is no concept of reincarnation. In those religion like Mohammedan and there are one or two more religions, okay, in which they say there is no rebirth, there is no reincarnation, okay, this is the only life there is, so we should enjoy it to the fullest. Now in some religions like Hindu, like Buddhism and Jainism, okay, there is reincarnation, the concept of reincarnation. And many people explain reincarnation in their own way. Now today, from the yogic science point of view, we will try to understand whether reincarnation takes place or not, first question. And if it takes place, if reincarnation is there, then what actually it is from the yogic science point of view. Sarvaji, yogic science ke hisab se kya punarjan, reincarnation hota hai? Yadi reincarnation hota hai, hai, to ye hai kya? Bahut sari cheeze log alag alag dhang se iske bare mein batate hain, है ना, कोई एक एंगल से बताता है, कोई दूसरे एंगल से बताता है, और जो सुनने वाले हैं वो लगभग वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये होता क्या है रीइंकार्नेशन और किस बेस पे होता है पुनर्जन्म। ये योगिक विज्ञान की आधार पर आध्यात्मिक में अगर हम देखें कि ये पुनर्जन्म की जो बात आ रही है, तो इससे सबसे पहले ये चीज़ सामने लाएगी कि हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में ये चीज़ आनी चाहिए कि हमारा जीवन है। तो पहली बात, हमारा जीवन रहेगा तो जीवन में इस चीज़ का ज्ञान है, चाहे वो काल्पनिक है, चाहे वो कल्पों का ज्ञान है, चाहे वो अल्प का ज्ञान है, मगर जीवन का ज्ञान रहेगा तब हमको पुनर्जन्म की हम बात कर पाएंगे। अब वो पुनर्जन्म है या नहीं है, इस पर बड़ा एक कठिन परिस्थिति है इसकी। ये है कि जैसे एक उदाहरण के लिए अगर देख लें कि हम जीते जी अगर हम जीवन में हैं और हम मौत की बात करें कि मृत्यु जो है वो हम मरते मरते बच गए या मौत आ गई थी और हम बच गए, ये गलत है तरीका। क्योंकि जब तक मौत मृत्यु का सामना ना हो जाए और मृत्यु को हम धारण ना कर लें, तब तक मृत्यु के बारे में जीवन काल में बात करना ये एक तरीके का एक अनुमान है और आपका ये एक मतलब लोगों को भ्रमित करने वाला ज्ञान है। ये ऐसा ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक जब एक होता है तो दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष की स्थिति में जाकर जाए बिना यहाँ प्रत्यक्ष स्थिति में आप अप्रत्यक्ष की बात करना ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। तो इसलिए योगिक साइंस ये कहती है, क्योंकि योगिक साइंस जीवन पे हमने अभी बात करी, मगर जीवन में निर्माण हो और जीवन हमारा कैसे दिखता है और कहाँ पर हम जीवन का हम अनुभव करते हैं और कहाँ जीवन का हमें आभास होता है, कहाँ हमारे जीवन समझ में आता है। अगर हम थोड़ा एक बार पीछे योगिक साइंस में हम थोड़ा सा पीछे होके देख लें, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे मूल में जो तीन प्रिंसिपल हैं जो पहले बता चुके हैं, उनमें एक ऐसा बीच का स्थिति है, बीच की स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर एक जीव आत्मा जो है चतुर्भुजाकार में एक लिक्विड में अपना जा रही है और वहाँ वो अंडों का निर्माण कर रही है। तो लिक्विड में अंडे जो बना रही है, तो वो अंडे जो बना रही है वो भी एक जीवन है, और वहाँ से जीवन जब देखें तो अब फिर ये साकार और निराकार की बात हुई है। तो साकार निराकार में जब एक अंडे की एक औरा ये करता है तो बहुत सारे
जब अंडे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका भी एक ऑरा होता है, फिर और सारे इकट्ठे हो जाते हैं उनका ऑरा होता है, फिर बहुत सारे हार्ड हो जाते हैं तो हार्ड होने के बाद में जैसे होता उनका भी एक बाहरी परिधि होती है। तो हम किसी वो भी अंडाकारी होती है, परिधि अंडाकार होती है तो उसके अंदर रहने वाली चीज ही अंडाकार होती है। हम ये चीज अनुमान लगा लेते या साइंस ये चीज देख लेती कि हमने एक सबसे छोटी चीज को देख लिया है और ये सबसे जो छोटी चीज है इससे छोटा और कुछ नहीं होता। ये साइंस की ना समझी है एक तरीके की, क्योंकि आध्यात्मिक बहुत गहराई में बात कर रहा है और साइंस ऊपर के हिसाब से बात की तो वहां पर भी जीवन है। आकार में जीवन होता है, साकार निराकार में जीवन होता है, आकार और साकार और निराकार ये तीनों स्थिति में जीवन होता है। मगर जीवन वहाँ तीन जहाँ पे प्रिंसिपल हैं वहाँ पर किसी तरीके का कोई जीवन या किसी तरीके का कोई निर्माण वहाँ नहीं होता। जो निर्माण होता है वो सारा का सारी उन तीनों की काल्पनिक स्थिति है। तो जो काल्पनिक स्थिति में जब समूह इकट्ठे होते हैं, जब सारे अंडे इकट्ठे होते हैं और उसमें हार्ड होकर के एक आकार धारण कर लेते हैं, हम उसको आकार को जीवन कहते हैं। तो जो जीवन ऐसा जीवन आता है जब जीवन का हमें अनुभव होता है तब हमें मृत्यु का ध्यान आता है, तब हमें पुनर्जन्म का ध्यान आता है, तब हमें निराकार का ध्यान आता है, तब आकार को अभी तक समझ नहीं पाए। तो आकार एक ऐसी स्थिति है कि आकार को किसी नापना और समझना नामुमकिन जैसा चीज़ है। तो इसलिए जब हमें इन चीज़ों का ध्यान आता है कि पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म पर जब हम बात करें तो पुनर्जन्म पे अगर हम स्थिति पे इसी पुनर्जन्म पे आकर के बात करें तो पुनर्जन्म एक ऐसा भी तो होता है कि संबंध और संस्कारों के आधार पर पुनर्जन्म में मैंने एक बहुत अमीर घराने में क्यों नहीं जन्म लिया, मैं गरीब घराने में क्यों हमने जन्म लिया। तो ये जो ये भी एक पुनर्जन्म की स्थिति है कि पुनर्जन्म उसके परिवार में अगर सारे के सारे अडानी अंबानी के घर में पैदा हुए तो वो मरे, फिर वो उसी घर में जाए, मरे तो उसी घर में जाए, गरीब वाला मरे तो उसी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। संबंध और संस्कार इस ब्रह्मांड में दोनों की स्थिति नेगेटिव और पॉजिटिव और घनत्व के आधार पर निर्धारित है, तय है। तो जो ये तय है हर अंडों में वो हर अणुओं में हर अंडों में ये चीज तय है आध्यात्मिक लाइन से, बाकी समूहों की तो बाद में बात करेंगे। तो अंडे में जब सब चीज है तो सारे ब्रह्मांड के अंडे इसी तरीके से काल्पनिक तौर के एक क्षणिक आवाहन पर वहीं इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पर पुनर्जन्म की अगर हम स्थिति देखें कि पुनर्जन्म ऐसे इकट्ठे होकर के हमने कोई शरीर धारण किया फिर पुनर्जन्म हुआ, तो अगर किसी बच्चा को जन्म ले हम उसे आकर के उसका हम समझा दें, उसका माइंड वॉश कर दें कि नहीं जी तुम्हें ऐसा हुआ तो फिर ऐसा, वो भी बोलने लगे देखो जी प्रमाण हो गया पुनर्जन्म। तो ये पुनर्जन्म ऐसा हो कि पुनर्जन्म का सबूत क्या है कि पुनर्जन्म होता है, तो इस बात का सबूत जो है हिंदू शास्त्रों में ये चीज़ मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। मोहम्मदन शास्त्र में पुनर्जन्म वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के पास में रूहों की कमी नहीं है और वो एक बार बार रूह जो है उसको बार बार क्यों देगा। तो वो एक अपने समूह की बात कर, रूह एक समूह की, आत्मा की एक समूह की बात कर रहे हैं। तो हम भी एक मेथड की बात कर रहे हैं, वो एक वहाँ दोनों अंडे जो हैं वो समूह हम उसे कहते हैं, तो इसलिए वो दोनों दोष जो हैं बना रहे वो एक समूह में है। तो ऐसे ही ये निर्माण की प्रक्रिया में जब यहाँ पे हम देखते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म की स्थिति में अगर कहते हो तो जाकर के एक बार देखना पड़ेगा कि पुनर्जन्म होता भी है, कि पुनर्जन्म की स्थिति क्या है। जन्म की स्थिति पहले समझनी होगी, फिर उसके बाद जीवन की स्थिति समझनी होगी, फिर आपको जीवन को बदलने की स्थिति समझनी होगी, अर्थात मृत्यु की स्थिति समझनी होगी। बिना स्वर्ग जाए आप जीवन काल में स्वर्ग की का वर्णन करें तो कहीं न कहीं आप गलत हैं। तो ये चीज़ सोच समझ के ही बात करनी चाहिए पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म में आप बात कर रहे हैं, शास्त्र के पढ़ के बात कर रहे हैं, मगर आप पुनर्जन्म में गए नहीं हो, इसलिए आपकी बात या आपको कहना कितने लोग सही मानेंगे ये चीज़ बड़ी बहुत ज़रूरी है। तो पुनर्जन्म की स्थिति होती है इसलिए क्योंकि वो काल्पनिक में होती है और पुनर्जन्म में होता है, तो होती है तो हम ये नकार नहीं रहे कि नहीं होती है, क्योंकि अणुओं का बदलना
और सॉफ्ट और हार्ड होना, उन्हें उनमें आपस में बदलना, इसके पुनर्जन्म क्या, अगर हम छोटी स्थिति में देखें तो पुनर्जन्म भी होता है, जन्म भी होता है, मौत भी होती है, सब कुछ होता है। और अगर हम एक थ्री प्रिंसिपल से लेकर के काल्पनिक पूरे ब्रह्मांड के अंत तक देखें तो पूरी चीज ज्यों की त्यों स्थापित है, स्थित है, उसमें किसी तरीके का कोई पुनर्जन्म नहीं है, किसी तरीके का कोई उसमें निर्माण नहीं है, किसी चीज़ में उसमें बनावट नहीं है, वो काल्पनिक है। और काल्पनिक में सबकी सब ज्यों की त्यों स्थित है, ज्यों की त्यों। ये जो बदलना और रहना, ये एक बहुत क्षणिक जिसकी समय क्षणिक होता है, अल्पकाल जिसे बोलते हैं, अल्पकाल में ये सब चीज़ नज़र आती है। और उसे हम अल्पकाल से हम कल्प में जाते हैं, जब तब हमें अनुभव होता है कि मेरा जीवन है। तो जब कल्प का ज्ञान होता है तब हमें जीवन का अनुभव आता है। हम अल्प से आए कल्प में, अल्प का ज्ञान नहीं है, कल्प का ज्ञान है, इसलिए जीवन है, इसलिए पुनर्जन्म है, इसलिए सब कुछ है। बाकी अगर अल्प का ज्ञान हो जाएगा तो ना तो आपका पुनर्जन्म है और ना आपका कोई जीवन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब काल्पनिक है। आप ज्यों के त्यों स्थापित हैं इस ब्रह्मांड में, और ज्यों के त्यों खाते पीते रहते उठते जो कुछ सुख दुख झेलते वो सब आपको इस स्थिति ज्यों की त्यों में बनी हुई, और अंत में जा करके आप वही ये काल्पनिक है, बाकी थ्री प्रिंसिपल है, वही यथार्थ है, वो फार्मूला है, वही यथार्थ है, बाकी का सब काल्पनिक है। तो ऐसी स्थिति में पुनर्जन्म हम ने दो बताया कि अल्प में हम नहीं मानते और हम कल्प को जानते हैं, इसलिए पुनर्जन्म को भी जानते हैं, और वो भी जन्म में बैठ करके जीवन में बैठ के बात करते हैं। तो देख लो कितनी सच्चाई है और कितना इसमें क्या है। मैं इस विषय पे किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर मैंने एक इस स्थिति को स्पष्ट करने की प्रयास किया है कि स्थिति साफ करी है मैंने कि देख लो, आप तय करो कि पुनर्जन्म की क्या स्थिति है। ओके फ्रेंड्स, फ्रॉम द योगिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट शर्मा जी हैज सेड एसेंशियली इज दैट इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस एंड टाइम देयर इज रीइंकार्नेशन। ओके, वी टेक बर्थ एंड वी डाई, देन अगेन बर्थ टेक्स प्लेस। ओके, सो इट इज ऑल इन टाइम। ओके, विच शर्मा इज सेइंग कल्प। Okay, so in kalp, in time, everything is possible, everything is changing. Okay, from one body to another body. Okay, and that too from the yogic science point of view, when we die, okay, what happens? We get rid of the physical body or hard X. Okay, what Sarmaji is saying, hard X, right? The physical body is shed. Then the soft bodies like karan or sukshma bodies, causal and subtle bodies, these bodies take another physical body according to the sanskar or relationship. So as per the sanskar and relationship, the soft bodies take on the hard body or the physical body. So if we talk about in the framework of a space and time, reincarnation is a fact, right? We can talk about reincarnation, we can explain it away, but when we get into the basic principles of life, in the basic principles or in ALP, nothing happens, everything is as it is, there is no change, nothing. I mean, there is no reincarnation or taking birth or dying. Okay, these changes are not there. Actually, there is no process at all in that level. Okay, when we talk about the three principles, in the three principles there is only the dynamism, there is only the formula, not that something is taking place or something is taking birth. Okay, so if we talk about to that level, to the ultimate level, to the real level, in reality there is nothing, there is no reincarnation. I mean, what is the question of reincarnation if there is no birth, there is no death? But when we talk about the imaginative cosmos, the whole cosmos is imaginative, imaginary. Okay, this is we have already explained in the previous episodes. Now in this imaginary world, in this imaginary cosmos, reincarnation is there, there is birth, there is death. Okay, and when we die, we get rid of the hard body, that is the physical body,
and then the soft bodies take on the basis of relationships and sanskaras, it takes on another physical body, that is hard body. That's all. So this is the viewpoint of yoga science, right? Or the science of yoga. Reincarnation is a fact, but in the time, in the framework of space and time. But beyond it, there is nothing. Thank you.